ये एक रेस्टोरेंट है, मुझे सामने से देख के लगा बंद है, पर नहीं, पीछे पूरा ट्रेन के फॉर्म में एक रेस्टोरेंट है। चलिए चलता हूँ उस ट्रेन वाले रेस्टोरेंट में। हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। हमारा अचानक प्लान बना कि चलो कंतारा देखने चलते हैं, कंटारा जैसे भी प्रोनाउंस करते हैं, क्योंकि बहुत बज ऑलरेडी सुनाई दे रहा है उस मूवी का। बहुत लोग कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छी फिल्म है। हम लोग जा रहे हैं एक्सेस मॉल राजरहाट में है, 4:50 का शो है, अभी 3 बज रहा है दिन का। लेट्स सी हाउ इट गोज। पहुंच गए हैं एक्सेस मॉल, 4:25 हो रहा है, 4:50 का शो है, 25 मिनट है हमारे पास अभी भी। इस मॉल का लुक थोड़ा राजमहल टाइप का है। ये है नोवोटेल। दुर्गापुर वाले बायोस्कोप जैसा ही लग रहा है। राम सेतु का पोस्टर लगा हुआ है, अपना स्क्रीन फोर ऊपर की तरफ है, और यहाँ बैठने उठने की जगह है। इंटरवल 3 out of 5 स्टार वाली लगी फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ का इंतजार है। क्लाइमेक्स बोल रहा है बहुत अच्छा है। भैया एक बटर चीज पॉपकॉर्न लार्ज और एक नाचो स्मॉल। हमें हुकुम देने वाला तू होता कौन है? राजा देवेंद्र सुत्तुरुम भूल गई? ऐसी क्या वीरता दिखाई तूने जो तुझे याद रखे? अजीब सा मिक्स्ड सा रिव्यू होगा मेरा इस मूवी का। KGF was much better according to me। ये होमबेल फिल्म्स की क्या है ना, उस KGF भी तो उसी की है ना, होम स्टाइल या लाइफ स्टाइल कुछ ऐसा नाम है इसका, जिसके अंदर मैं अभी जा रहा हूँ। शॉपर स्टॉप टाइप का है अंदर से पूरा, और वही सारे ब्रांड्स हैं, US पोलो, जैक एंड जोन्स। ठंडी के सारे कपड़े आ गए हैं यहाँ पे, हर जगह ही आ गए होंगे क्योंकि ठंड भी पड़ रही है। कलकत्ता में ठंड कल बहुत ज़्यादा थी, आज थोड़ी कम है। ये एक रेस्टोरेंट है, मुझे सामने से देख के लगा बंद है, पर नहीं, पीछे पूरा ट्रेन के फॉर्म में एक रेस्टोरेंट है। चलिए चलते हैं उस ट्रेन वाले रेस्टोरेंट में। अच्छा, इसीलिए यहाँ केसरिया जंक्शन भी लिखा हुआ है। अच्छा, बाहर भी बैठने की जगह है। वाह, काफी अलग कॉन्सेप्ट है एज अ रेस्टोरेंट। मतलब मैंने वीडियोस में देखा है इस टाइप का, फ्लाइट में, ट्रेन में, पर एम्बियंस काफी सही है। दाल तड़का, दाल तड़का मंगाओ समझे। बाहर से देखा, अभी हम लोग ट्रेन में नहीं बैठे हैं, तो रेस्टोरेंट में बैठे हैं, लेकिन ट्रेन वाली पहले सम व्हील्स वाली फील आ रही है। पहले सम व्हील्स तो अंदर से ऐसा ही है ना, केसरिया नाम है इसका। एक रेशमी मुर्ग बटर मसाला, एक प्लेन तड़का और 4 तंदूरी रोटी। द बर्निंग ट्रेन का फोटो लगा हुआ है पीछे। बस ये ब्लू की जगह कोई और कलर होता तो और बेटर होता, मुझे ऐसी गट फीलिंग आ रही। नया खुला है अभी 2022 में, पूजा में, मतलब ऑलमोस्ट मुझे लगता है 1 महीना भी नहीं हुआ है। काफी अच्छा है, अलग है। जनरली इस टाइप के डिशेस मैक्सिमम रेस्टोरेंट के एक ही होते हैं, बट इसका काफी अलग है। चिकन का एक अलग स्मोकी फ्लेवर है चिकन में, वो बहुत रेयर है। जो स्टाफ है यहाँ के, वो लोग कह रहे हैं कि इस दुर्गा पूजा में खुला है, मतलब 1 महीना भी नहीं हुआ है, और सामने भी बहुत बैठने की जगह है। अगर इनके अगर ये जगह फुल हो गया तो बाहर टेबल्स लगे हुए हैं, अभी रिफ्लेक्टिव ग्लास है ना, इसलिए दिख नहीं रहा है। बाहर चलते तो मैं दिखाता हूँ। जो तड़का है एकदम घर जैसा है, लेकिन बहुत अच्छा टेस्ट है। ये मूंग, गोटा मूंग है, थोड़ा सा इसमें उड़द डाला हुआ है, और तड़का जो ये लोग लगाए हैं, हम लोग घर में लगाते हैं प्याज अदरक लहसुन टमाटर बटर में अच्छे से बटर डालते हैं। इसको बनाओ अपने चैनल के लिए। जरूर। मूवी के बाद ये जगह ने कॉम्पेंसेट कर दिया दिन को। मूवी के बारे में बात करेंगे, घर चल के बात करते हैं या गाड़ी में बात करेंगे फिल्म के बारे में। अभी मैं डेजर्ट के लिए पूछने जा रहा हूँ क्या क्या है। गुलाब जामुन
ये चालू नहीं हुआ है। डेजर्ट में खाली गुलाब जामुन ही है, तो गुलाब जामुन तो घर में रखा हुआ है। फ्रेश लाइम सोडा स्वीट कम से कम देखना है, काफी अच्छा है। चलिए भैया निकल रहे हैं हम लोग। थैंक यू। ये स्टार्ट नहीं हुआ ना अभी? नहीं, ये नवंबर 16 में चालू है। अच्छा, नवंबर 16 सही है। नेक्स्ट टाइम नो होटल, इस बार ये केसरिया एक्सप्रेस, और बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे फिर से आने लायक है। और ये एरिया भी बहुत अच्छा है, यहाँ पूरा फ्रीवे है, और उधर की तरफ सेंट्रल बोल के एक मॉल है। रात हुई अगेन, वेदर भी अच्छा हो गया है। ये पार्किंग है एक्सेस मॉल का। हम लोग एक्चुअली दूसरी बार ही एक्सेस मॉल आ रहे हैं। खोल ओ यार, मैं अपनी गाड़ी ना खोल रहा हूँ। खोल क्यों नहीं रही है? हाँ खोली। ये तो ये था दोस्तों छोटा सा व्लॉग, जो हम कंतारा मूवी देखने गए थे। कंतारा मूवी के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, और रिसेंटली हम दृश्यम देखने भी गए थे, तो उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। सो डू वॉच ऑल दोज व्लॉग एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।